नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही चार बढ़िया तरीके की ड्रिंक, और वो भी बनाई हुई है पुदीने में से। तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको इसे पीकर। गर्मियों के लिए ख़ास है तो बनाइए, और बहुत ही आसान है। कम इंग्रेडिएंट्स में आपकी ये चारों ड्रिंक्स तैयार हो जाएगी। तो देर नहीं करते हैं, चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मिंट लेमिनेट। तो उसके लिए मिक्सर में मैं डालूंगी आधा कप पुदीना, ये एक मुट्ठी जितना है, अपने हाथ की एक मुट्ठी। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी आधा नींबू का रस, चम्मच में देखने जाए तो एक बड़ा चम्मच। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बर्फ़ के टुकड़े, और एक गिलास चिल्ड पानी यानी कि ठंडा पानी आपको इसके अंदर डाल देना है, एक गिलास जितना। अब इसे ढककर हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया, चलिए हम ढक्कन को हटा लेते हैं। और आप देख सकते हैं, मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ, अच्छे से ये पिस चुका है। अब इसे हमें छानना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर मैं ये पतली जाली वाली छन्नी ले लूँगी। अब इसे हम इस तरह से इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डाल दिया है सारा ये मिंट लेमिनेट। अब क्या करेंगे, चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से और अच्छे से इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी। ये जल्दी से घुल जाती है, चीनी को आपको क्या करना है, मिक्सर में डालकर पीस लेना है। तो ये चीनी तैयार हो जाएगी, अच्छे से मिला ले और एक बार चख ले कि चीनी सही है कि नहीं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक मैंने ग्लास ले लिया है, इसके अंदर ये सारा मिंट लेमिनेट हम डाल देंगे। डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़े से ये जो नींबू आता है उसका मैंने एक दो टुकड़े डाल दिए हैं, और एक ऊपर से भी लगा लिया है। तो लीजिए तैयार है एकदम रिफ्रेशिंग हमारी पहली ड्रिंक, ये मिंट लेमिनेट। बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम दूसरी बनाते हैं अब। तो दूसरी हम बनाने वाले हैं पुदीना रा। तो उसके लिए भी मिक्सर लेना है, इसमें डालना है आधा कप पुदीना, मुट्ठी में एक मुट्ठी है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे ये एक बड़ा चम्मच नींबू का रस। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी सेंधा नमक आधा चम्मच, पीसी हुई चीनी मैं डालूँगी दो बड़े चम्मच, और फिर डालूँगी बर्फ़ के टुकड़े थोड़े से। टुकड़े डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी एक गिलास ठंडा पानी। पानी डालने के बाद इसे ढक लेंगे और अच्छे से इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से पीस लिया, चलिए ढक्कन को हटा लेते हैं और मैं आपको चम्मच में भी उठाकर दिखा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पीस चुका है, इसे भी हम छानेंगे। छानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बाउल ले लीजिए, उसके ऊपर ये पतली छन्नी रख दीजिए और इस तरह से सारा छान लीजिए। यहाँ पर मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये चम्मच की मदद से और अच्छे से इसे हम छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक ग्लास ले लिया है, ये मैंने क्या किया, थोड़ी सी पुदीने की पत्ती को सेलो टेप की मदद से चिपका लिया है, दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इसलिए। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी मेहमान को या घर पर ही अपने परिवार को इस तरह से थोड़ा सा अट्रैक्टिव ग्लास बनाकर सर्व करेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब टूथपिक पे भी मैंने ये दोनों लेमन के इस तरह से टुकड़े डाल दिए। तो लीजिए हमारा ये पुदीना रा भी तैयार है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरी ड्रिंक की ओर। तो अब हम बनाएंगे पुदीना मार्गरीटा। तो उसके लिए मिक्सर में डालना है आधा कप पुदीना, एक मुट्ठी जितना है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे एक ग्लास एकदम ठंडा वाला पानी। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी ये सेंधा नमक, देखिए कुछ इस तरह से आता है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच। फिर इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी आधा चम्मच नींबू का रस यानी आधा नींबू का रस। फिर मैं डालूंगी बर्फ़ के टुकड़े और ढक कर इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पीस लिया है, ढक्कन को हम हटा लेंगे और इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जैसे कि हम सारी जो मैंने दो ड्रिंक बनाई है उसे मैंने छाना है, पर जो ये पुदीना मार्गरीटा है इसे छाना नहीं जाता है, इसे ऐसे ही पिया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आप चेक कर लीजिए चेक करके चीनी और नमक सही है कि नहीं, या तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अब इसे भी हम इस तरह से ग्लास में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया और ये एक नींबू का स्लाइस हम इसके ग्लास के ऊपर लगा लेंगे। तो लीजिए तैयार है बहुत ही रिफ्रेशिंग तीसरी हमारी ड्रिंक पुदीना मार्गरीटा। अब हम लास्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ गुड़ वाला पुदीना रा। मैंने चीनी वाला तो आपको बता दिया, ये गुड़ वाला है, बहुत ही हेल्दी है।
तो आप इसे कभी भी पी सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गुड़, तो वो मैंने लिया 2 बड़े चम्मच जितना गुड़ लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसे चला लेंगे और 10 मिनट तक इसे हम ढककर ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो गुड़ है आप देख सकते हैं पानी में घुल चुका है। इसे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखें, इस तरह से ये घुल जाए। थोड़े बहुत टुकड़े रहेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम इसे मिक्सर में पीसने ही वाले हैं। अब यहाँ पर मैंने ये मिक्सर ले लिया है और ये जो गुड़ पानी है ये दोनों हम इसके अंदर डाल देंगे और ये थोड़े से इसके टुकड़े ये भी हम डाल देंगे। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1/2 कप पुदीना, ये 1 मुट्ठी जितना है। ये पुदीना डालने के बाद इसे हम ढककर अच्छे से पीस लेंगे। तो ये जो गुड़ वाला पुदीना रहा ये बहुत ही हेल्दी है और डायबिटीज़ पेशेंट भी इसे पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, अब आप देख सकते हैं अच्छे से ये मैंने पीस लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी सेंधा नमक 1/2 चम्मच, नींबू का रस मैं डालूँगी 1 चम्मच जितना, यानी 1/2 नींबू का रस डाली और बर्फ़ के टुकड़े। अब क्या करेंगे, इसे फिर से ढक लेंगे और 1-2 मिनट के लिए फिर से हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे फिर से पीस लिया है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, चम्मच की मदद से थोड़ा सा चख लूँगी कि जो मैंने नमक डाला है वो सही है कि नहीं, नहीं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम छान लेंगे। कई बार क्या होता है, हम वेट लूज़ करने वाले होते हैं या फिर डायबिटीज़ पेशेंट है तो वो चीनी लेना नहीं पसंद करते, तो उस टाइम पे आप ये गुड़ वाला पुदीना हरा बना कर पिए। इसे आप किसी भी टाइम पर पी सकते हैं और बहुत ही ये मज़ेदार लगता है पीने में और रिफ्रेशिंग और हेल्दी भी है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, ग्लास में सर्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं, ये गुड़ वाला पुदीना हरा हम सारा डाल देंगे और यहाँ पर मैंने नींबू की एक स्लाइस ले ली है, इसे हम लगा लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए पुदीना की थोड़ी सी ये पत्तियाँ, इसे भी हम इस तरह से रख लेंगे। तो लीजिए तैयार है सुपर टेस्टी हमारी ये लास्ट ड्रिंक गुड़ वाला पुदीना हरा। तो आप ये चारों ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खास 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 है और बहुत ही पीने में रिफ़्रेशिंग मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।